एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सील नेल्स एंड स्टेनिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ZN स्टेनिंग एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग. ओके, ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का ही पार्ट है. और ZN स्टेनिंग हम क्यों करते हैं? दिस इज़ डन फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरियाज. ओके, एसिड फास्ट बैक्टीरियाज के लिए हम करते हैं, सच एज माइकोबैक्टीरियम. तो क्या होता है, द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम कंटेन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड विच मेक्स दैम वैक्सी. ठीक है, जो उनको वैक्सी बनाता है, हाइड्रोफोबिक बनाता है. एंड ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल वॉल, माइकोबैक्टीरियम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टेन बाय ऑर्डिनरी मेथड्स, जैसे ग्राम स्टेनिंग हो गया. तो इसलिए हम माइकोबैक्टीरियम को स्टेन करने के लिए जील नेल्सन स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं. एंड दिस स्टेनिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज एसिड फास्ट स्टेनिंग. एसिड फास्टनेस क्या होती है? एसिड फास्टनेस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट डीकलराइजेशन. ये बैक्टीरिया रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन को. ओके, ड्यू टू माइकोलिक एसिड दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन. दैट्स व्हाई दिस स्टेनिंग इज नोन एज एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड द बैक्टीरिया इज नोन एज एसिड फास्ट बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं बिकॉज दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन. ओके, सो इन दिस स्टेनिंग टेक्निक द फिनोलिक कंपाउंड कार्बल फिशन इज यूज एज अ प्राइमरी स्टेन. आपको ध्यान में होगा कि हमने ग्राम स्टेनिंग में पढ़ा था कि एज अ प्राइमरी स्टेन हमने क्रिस्टल वॉलेट का इस्तेमाल किया था. ठीक है, इन दिस स्टेनिंग टेक्निक हम कार्बल फ्यूशन का एज अ प्राइमरी स्टेन यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग कार्बल फ्यूशन एज अ प्राइमरी स्टेन इन ZN स्टेनिंग. ओके, तो द फिनोलिक कंपाउंड कार्बल फ्यूशन इज यूज एज अ प्राइमरी स्टेन बिकॉज इट इज़ लिपिड सल्यूबल. क्योंकि क्या होता है, कार्बल फ्यूशन लिपिड सल्यूबल होता है एंड इट पेनिट्रेट्स द वैक्सी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर कार्बल फ्यूशन. इसीलिए हम कार्बल फ्यूशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो क्या होगा जब हम कार्बल फ्यूशन का एप्लीकेशन करेंगे, जब हम एज अ प्राइमरी स्टेन हम कार्बल फ्यूशन को फ्लड करेंगे स्लाइड में, तो क्या होगा कि इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, राइट? तो वो माइकोलिक एसिड कार्बल फ्यूशन के साथ बाइंड हो जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा और इसके कारण क्या होगा, स्टेन बाहर नहीं आ पाएगा बैक्टीरिया से. तो इन दिस स्टेनिंग टेक्निक यू हैव टू फॉलो फोर मेन स्टेप्स. ओके, चार मेन स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. फर्स्ट स्टेप विल बी प्राइमरी स्टेन, जो कि मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कार्बल फ्यूशन हम एज अ प्राइमरी स्टेन यहाँ पे यूज़ करेंगे. सेकेंड स्टेप विल बी मॉडरेंट. अब मॉडरेंट क्या बोला है, हीट विल एक्ट एज अ मॉडरेंट हेयर. सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर ढंग से देखा होगा तो आपको पता होगा कि मॉडरेंट क्या होता है. मॉडरेंट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद द डाई एंड इट विल फिक्स द डाई इनसाइड द बैक्टीरिया. मैंने आपको बताया था कि जो मॉडरेंट होता है वो क्या करता है, वो डाई के साथ एक बॉन्ड बना लेता है जिसके कारण डाई बैक्टीरिया में फिक्स हो जाती है. तो इन दिस स्टेनिंग टेक्निक वी आर यूजिंग हीट एज अ मॉडरेंट. यहाँ पे हम हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मॉडरेंट. ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हीट को हम एज अ मॉडरेंट यूज़ कर रहे हैं ZN स्टेनिंग में. तो जब आप बैक्टीरिया को हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा कि जो प्राइमरी स्टेन होगा वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा. और आप सभी को पता है कि इसके पास वैक्सी कोटिंग है. तो क्या होगा, वैक्स का नेचर क्या होता है कि जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है. और जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं या कूल टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या होता है कि वो वापस से अपने शेप में आ जाती है थोड़ी देर बाद, राइट? तो क्या होगा, इस स्टेप में जब हम एप्लीकेशन ऑफ हीट करेंगे, जब हम हीट का एप्लीकेशन करेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्राइमरी स्टेन होगा वो चला जाएगा. और उसके बाद क्या होगा कि वो स्टेन चला तो गया है अंदर बट वो बाहर नहीं आ पाएगा ड्यू टू वैक्सी कोटिंग. अब ऑब्वियस सी बात है कि वैक्स का नेचर जो होता है कि पहले वो मेल्ट भी ईजिली हो जाती है और उसके बाद में अपनी शेप में वापस आ जाती है. तो सेम वही चीज़ बैक्टीरिया के साथ भी है. ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होगा कि स्टेन जो होगा वो, अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया के साथ हम डील कर रहे हैं तो स्टेन उसके अंदर ईजिली चला जाएगा और वहीं रह जाएगा, फिर वो वापस बाहर नहीं आएगा. तो थर्ड स्टेप में जब डीकलराइजर का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उस स्टेप में ये बैक्टीरिया डीकलराइज नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि ये बैक्टीरिया रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन को.
ओके, दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन ड्यू टू माइकोलिक एसिड. माइकोलिक एसिड की वजह से ये डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं. तो अगर हम माइकोबैक्टीरियम से डील कर रहे होंगे तो इस स्टेप में क्या होगा, वो डीकलराइज नहीं होंगे, तो वो मतलब वो पिंक ही नज़र आएंगे हमको, क्योंकि जो हमारा कार्बन फ्यूजन है वो पिंक कलर देगा बैक्टीरिया को, राइट. और लास्ट स्टेप में क्या होगा, हम काउंटर स्टेन का यूज़ करेंगे, और काउंटर स्टेन का हम यूज़ यहाँ पे कंट्रास्ट के लिए करेंगे. जो बाकी के बैक्टीरिया होंगे या फिर जो बैकग्राउंड होगा वो हमें ब्लू दिखेगा ड्यू टू काउंटर स्टेन. तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. अब मैं ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि ZN स्टेनिंग हम करते कैसे हैं. तो सबसे पहले तो आपको स्मेयर बनाना है, ओके. टेक अ क्लीन और ग्रीस फ्री स्लाइड एंड प्रिपेयर अ स्मेयर. सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टेनिंग यू हैव टू अप्लाई द प्राइमरी स्टेन विच इज़ कार्बन फ्यूजन फॉर 30 seconds. उसके बाद आपको हीट फिक्स करना है स्लाइड को यूजिंग फ्लेम. और यहाँ पर जो फ्लेम है, जो हीट है, इट विल एक्ट एज अ मॉडरेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करेगा, डाई को फिक्स कर देगा इनसाइड द बैक्टीरिया, ओके. ये भी मैंने बता दिया कैसे करेगा, बिकॉज माइकोबैक्टीरियम कंटेन्स अ वैक्सी कोटिंग, ठीक है. और वैक्स का नेचर क्या होता है कि वो हीट प्रोवाइड करने पे मेल्ट हो जाती है, और आफ्टर सम टाइम वो अपना ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेती है, ओके. वही चीज़ यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ भी होगी. एंड आफ्टर दैट वी विल Use एसिड alcohol as a decolorizer for 15 to 20 seconds. और इस स्टेप में क्या होगा, जो हमारा डीकलराइज़र है उसका काम क्या है, बैक्टीरिया को डीकलराइज़ करना, जो स्टेन है उसको डीकलराइज़ करना. तो जिस बैक्टीरिया के पास एबिलिटी है रेजिस्ट करने की डीकलराइजेशन को, वो यहाँ पे क्या होंगे, वो प्राइमरी स्टेन रिटेन करके ही रखेंगे और पिंक कलर ही शो करेंगे, वो डीकलराइज़ नहीं होंगे. मैं यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम की बात कर रही हूँ. आप सभी को पता है कि माइकोबैक्टीरियम रेजिस्ट डीकलराइजेशन, तो माइकोबैक्टीरियम पर इसका असर नहीं होगा. बाकी जो बैक्टीरिया हैं और बाकी जो बैकग्राउंड है वो डीकलराइज़ हो जाएगा इस वाले स्टेप में. तो इस स्टेप में क्या हुआ कि हमारा जो माइकोबैक्टीरियम था वो तो पिंक ही रह गया, क्योंकि उसने प्राइमरी स्टेन रिटेन किया हुआ था और वो डीकलराइज़ नहीं हुआ, ठीक है. और बाकी के जो भी बैक्टीरिया होंगे या जो बैकग्राउंड है वो डीकलराइज़ हो गया. अब क्या होगा कि लास्ट स्टेप में जब हम काउंटर स्टेन का यूज़ करेंगे, जब हम मिथाइलिन ब्लू या मेलाकाइट ग्रीन में से किसी एक स्टेन का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि दिस विल प्रोवाइड कलर कंट्रास्ट. ये क्या होगा, ये बैकग्राउंड को स्टेन कर देगा या फिर जो बाकी के जो अदर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं उनको स्टेन कर देगा. तो माइक्रोस्कोपी में हमें कैसे कलर के दिखेंगे बैक्टीरिया, जो एसिड फास्ट होंगे, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो हमें रेड कलर के दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी स्टेन को रिटेन किया विच इज़ कार्बन फ्यूजन. और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो हमें ब्लू कलर के दिखेंगे, अगर हमने मिथाइलिन ब्लू का यूज़ किया है तो एज अ काउंटर स्टेन, और अगर हमने एज अ काउंटर स्टेन मेलाकाइट ग्रीन का यूज़ किया है तो हमें वो ग्रीन कलर के दिखेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड और बैक्टीरिया. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो स्क्रीन में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसके मैंने 3 divisions बनाए हैं, एप्लीकेशन, रिएजेंट एंड सेल कलर, ठीक है. सेल कलर मतलब बैक्टीरिया का कलर क्या होगा माइक्रोस्कोपी के दौरान, एसिड फास्ट बैक्टीरिया का क्या होगा, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया का क्या होगा. तो प्राइमरी डाई की अगर बात करें तो रिएजेंट हमने कार्बन फ्यूजन यूज़ किया है फर्स्ट स्टेप में, तो उसमें हमारे जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो रेड कलर के दिखेंगे, और नॉन एसिड फास्ट कैसे दिखेंगे, वो भी रेड दिखेंगे, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों ही बैक्टीरिया रेड कलर के दिखेंगे, क्योंकि दोनों ही कार्बन फ्यूजन को रिटेन कर लेंगे. डीकलराइजिंग वाले स्टेप में क्या होगा, तो जब हम एसिड अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो रेड ही रहेंगे, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे, ओके, पहले की तरह वो हो जाएंगे. अब एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेड क्यों होंगे, ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है, क्योंकि जब हम डीकलराइजर का यूज़ करेंगे तो वो रेजिस्ट कर लेंगे डीकलराइजेशन को, जबकि जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डीकलराइजर.
द लास्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ काउंटर स्टेन. ओके, तो एज अ काउंटर स्टेन अगर हम मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करते हैं तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया विल अपीयर रेड इन कलर, एंड जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो ब्लू कलर के दिखाई देंगे. ब्लू कलर के क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि जब मिथाइलिन ब्लू है उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का होता है. इसीलिए जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो कैसे हो जाएंगे? ब्लू कलर के हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले स्टेप में वो कैसे हो गए थे? डीकलराइज हो गए थे, वो कलरलेस हो गए थे. तो इस वाले स्टेप में वो ब्लू कलर को रिटेन कर लेंगे और माइक्रोस्कोपी के वक्त हमें ब्लू कलर के नजर आएंगे जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो. ठीक है, अगर हम एज अ काउंटर स्टेन मैलाकाइट ग्रीन का यूज करते हैं तो हमें नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कैसे दिखेंगे? ग्रीन कलर के दिखेंगे, क्योंकि वो जो मैलाकाइट ग्रीन है उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है. सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है. ठीक है, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमें हर एक कंडीशन में रेड ही दिखने वाले हैं. प्राइमरी डाई का यूज़ करेंगे तब भी रेड दिखेंगे, डीकलराइजर का यूज़ करेंगे तब भी रेड दिखेंगे, और काउंटर स्टेन में अगर मिथाइलिन ब्लू या मैलाकाइट ग्रीन में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें वो रेड ही दिखने वाले हैं. सो हेयर इन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन यू कैन सी द पिंक बेसिलाइज, ये माइकोबैक्टीरियम है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी स्टेन हमारा किसने रिटेन किया है? माइकोबैक्टीरियम ने रिटेन किया है, और जो हमारा काउंटर स्टेन है वो बैकग्राउंड ने रिटेन किया है, और जो बाकी के जो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई हैं उन्होंने रिटेन किया है. ओके, सो हेयर यू कैन सी दिस स्मेयर इज पॉजिटिव फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, which means this person is suffering from tuberculosis. If you find this video informative, please kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. And if you have any doubt related to this topic, please let me know in the comment section below. So that's enough for today's video. Jaldi milungi aapko naye video lecture ke saath. Tab tak ke liye bye bye, take care.